दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का 11.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, जब भी फेंस की फेंस जैसे बोलेंगे उससे हमें क्या समझना है, वो पेरीमीटर की बात की जा रही है। फेंस का मीनिंग है बाउंड्री, बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। फेंस, लेंथ ऑफ फेंस इज नथिंग बट द पेरीमीटर। सो क्या क्या गिवन है पहले हम देख लेते हैं। सो गिवन चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज 120 मीटर। मैंने जैसे कि बोला कि लेंथ ऑफ फेंस का मीनिंग है पेरीमीटर ही, सो पेरीमीटर हमें गिवन है 120 मीटर। सो डायग्राम पहले से क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हो। एंड ए बी हमें फाइंड आउट करना है। इसमें जो है ए बी, अब देखिए ट्रेपेजियम ने तुमने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन में, यहाँ पे एक ऐसा स्लैंट हाइट होता था, बट इस क्वेश्चन में नहीं है, तो उससे तुम्हें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या समझना है कि ट्रेपेजियम में ये एक देखो परपेंडिकुलर लाइन बना दिया, ठीक है जी। अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये हाइट ही होगा ना। देखो ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे एक स्लैंट हाइट आ जाता तो हाइट सेपरेट से यहाँ पे ऐसे करके दिखाते, तो ये अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो हम मान सकते हैं कि ये क्या है, हाइट है जी, ठीक है। सो बेसिकली हमें ए बी का मीनिंग क्या है, ए बी हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। दैट मीन्स तुम्हें इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, वो हाइट फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। तो तुम्हें ऐसे समझना है क्वेश्चन को कि जब भी ऐसा दिया रहता है ट्रेपेजियम में, देखो बेसिकली वो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन बनाने के बाद अगर तुम देखोगे ये जो दोनों साइड से वो नॉन पैरेलल साइड्स ही होगा, ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर बनाने के बाद भी ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स ही होगा, इसलिए मैंने बताया था ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड्स होते हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं, तो उसको कोई चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। सो पेरीमीटर गिवन है 120 मीटर, उससे हम कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन 120 मीटर। अब पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, पेरीमीटर का मीनिंग बाउंड्री होता है, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। सो बाउंड्री हम सबको ऐड कर देंगे, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है ट्रेपेजियम का पेरीमीटर निकालने का, तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, सबका जो सम है मतलब सब साइड्स का जो ऐड कर देंगे, सब साइड्स को हम ऐड करेंगे, सो हमें 120 मीटर मिलना ही चाहिए क्योंकि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी। अब ए बी बी सी सी डी और डी ए, इसमें सबका वैल्यूज गिवन है क्या, नहीं है। ए बी का वैल्यू गिवन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी सबका वैल्यू पुट कीजिए और सबको ऐड कीजिए, यहाँ पे 105 मिल जाएगा। 105 को मैंने उस साइड भेज दिया RHS में, सो ये हो जाएगा 120 माइनस 105 विच इज इक्वल टू 15 मीटर। सो 15 मीटर है ए बी। यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन जैसे मिलेगा तुम देख लेना कि ये जो यूनिट्स है वो सबका सेम है कि नहीं। कभी कभी क्या कर देते हैं लोग, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर कभी कभी डाल देते हैं, बट वो जो क्या है स्टूडेंट्स जो है नोटिस नहीं करते कि ये वो सेंटीमीटर में एक ही मीटर में, डायरेक्टली वो सब्स्टिट्यूट करके निकाल देते हैं, मीटर लिख देते हैं। ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है जब भी क्वेश्चन ऐसे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में मिलता है, तो यूनिट को ध्यान से देखना है कि कौन सा यूनिट है। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एरिया। सो ध्यान से देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ABCD का। सो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, हाफ इंटू ए प्लस बी हम करते थे प्रीवियस क्वेश्चन में इंटू एच। सो एच हमें पता है वो ए बी ही है। सो अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, यहाँ पे मैं देखो ए बी जो है हाइट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब जो ये जो पैरेलल साइड से दो उनको भी तो ऐड करना है ना, सो मैंने ले लिया ए डी और बी सी। सो ए डी प्लस बी सी वो हो जाएगा दो पैरेलल साइड का जो सम है, ठीक है। सो यहाँ पे हाफ इंटू ए डी का वैल्यू है 40, बी सी का वैल्यू है 48 इंटू हाइट जो है 15 है। ए बी का हाइट हमें यहाँ से मिला, ठीक है, 15। अब देखिए हमें पता है कि ये जो सिंप्लीफिकेशन करना तो आता ही होगा, सो हाफ इंटू 40 प्लस 48 88 होता है इंटू 15, यहाँ से हो जाएगा 2 1 जा, ठीक है जी, 2 1 जा 2 44 जा। सो 44 इंटू 15 करना है तुम्हें, सो विच इज इक्वल टू 660 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए यूनिट पक्का लिखना ही लिखना है, ठीक है, वरना क्या कर देते हैं यहाँ का इसका मार्क्स भी होता है कैरी करता है ये, अगर 660 अगर लिख के छोड़ दोगे तो मार्क्स कट होने का चांसेस है, ठीक है।